अमीर वर्सेस गरीब का एरोप्लेन कंपटीशन। गीतागंज में जीवनदास कहकर एक काफी अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका एक लड़का था मोंटी, जो कि काफी घमंडी था, और मोंटी जीवनदास का एक लौता बेटा था, जिस कारण जीवनदास उसकी हर मांग को पूरा किया करते थे। वहीं उसी गांव में केवट कहकर एक गरीब किसान रहा करता था, जिसका एक लड़का होता है विशाल। वो अपने पिता की हर बात मानता था और खेतों में अपने पिता की सहायता भी करता था। एक दिन की बात है। पापा पापा, मुझे एक नया खिलौना चाहिए। अच्छा, अरे भाई क्या चाहिए मेरे बेटे को? कोई जरूरत नहीं है इसे नया खिलौना दिलाने की। देख नहीं रहे हो, पूरे घर में कबाड़ की तरह खिलौनों को बिखेर कर रखा है। पहले इनसे खेले, फिर नए खिलौने मिलेंगे इसे। मैं नहीं खेलूंगा इनसे, पूरे एक दिन खेला है मैंने इनसे, मुझे खिलौने दिलाओ, मैं कुछ नहीं जानता। एक बार कह दिया ना, ये खिलौने जब बेकार हो जाएंगे तभी नए मिलेंगे, अब खेलो इन्हीं से। तभी मोंटी गुस्से से सारे खिलौने ले जाकर कूड़े में फेंक देता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। लो, अब खराब हो गए सारे खिलौने, अब नया खिलौना दिलाओ मुझे। कहाँ गए सारे खिलौने? कूड़े में फेंक दिए, अब वो किसी काम के नहीं रहे। तभी सीता मोंटी पर और गुस्सा होती, इससे पहले जीवनदास बोल पड़ते हैं। रे भाई, अब छोड़ो ना भाग्यवान, अब तो इसके पास खिलौने भी नहीं हैं, नए खिलौने तो दिलाने ही पड़ेंगे। फिर जीवनदास मोंटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीता भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही विशाल जीवनदास के घर के बाहर से गुजर रहा होता है, तभी उसे वहाँ कूड़े में एक बॉक्स में ढेर सारे नए खिलौने दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी मोंटी अपने नए रोबोट खिलौने के साथ वहाँ आ जाता है। क्यों रे चोर, क्या चुरा कर ले जा रहा है वहाँ से? कुछ नहीं, मैं तो बस आ, तू तो बस, मुझे पता है तू मेरे खिलौने चुराने आया था, है ना? चल रख मेरे खिलौने और भाग यहाँ से। तभी मोंटी की आवाज सुनकर सीता वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ, और ये रोबोट खिलौना कहाँ से आया? ये तो पापा ने दिलाया मॉम, लेकिन वो सब छोड़ो, ये देखो ये गरीब भिखारी मेरा खिलौना चुरा कर ले जा रहा था। लेकिन ये तो यहाँ कूड़े में पड़ा था, मुझे लगा कोई फेंक गया है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा था। ये तो मोंटी का ही काम है। ठीक है बेटा, तुम इसे ले जाओ। तभी विशाल खिलौने लेकर वहाँ से चला जाता है और सीता मोंटी को लेकर घर में आ जाती है। मैं आपने उसे वो खिलौना क्यों ले जाने दिया? ये नो ना, वो कितना गरीब है, उसकी औकात नहीं है महंगे खिलौने से खेलने की। तुमने ही तो फेंका था ना, वैसे भी अब तो तुम्हारे पास नया रोबोट खिलौना आ गया है, इससे ही खेलो अब। फिर सीता वहां से चली जाती है। वहीं मोंटी गुस्से से घर के आंगन में रोबोट खिलौना लेकर चला जाता है और उससे खेलने लगता है, लेकिन वो उससे खेलकर इतना बोर हो जाता है कि उसे तोड़कर फेंक देता है। तभी उसे आसमान में एक एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाई देता है। वाओ, ये एरोप्लेन कितना सुंदर है, जब दुनिया इसमें बैठकर घूम सकती है तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए एरोप्लेन। फिर वो अपने पिता के पास जाता है। पापा पापा, मुझे एरोप्लेन चाहिए। ठीक है बेटा, रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन ला दूंगा। रिमोट वाला नहीं, असली वाला चाहिए, वो जो आसमान में उड़ती है। अरे लेकिन वो बहुत महंगी आती है बेटा। देख लो, तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। मुझे एरोप्लेन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह वो जिद करने लगता है और खाना पीना सब छोड़ देता है, जिस कारण उसके पिता को उसे एरोप्लेन दिलाना ही पड़ता है। वहीं जब मोंटी मैदान में अपनी एरोप्लेन लेकर हवा में उड़ रहा होता है, तो नीचे खड़ा विशाल उसी को एक टक निहारे जा रहा होता है। तभी मोंटी नीचे आकर, क्यों रे, मेरा एरोप्लेन भी चुराने का विचार है क्या? इतने गौर से देख रहा है,
अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें उड़ते हुए देख रहा था। मुझे सब पता है तुम गरीब चोर होते हो। देख मोंटी, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। चोर है तो चोरी बोलूंगा ना, वरना लगा ले मुझसे रेस, देखते हैं कौन जीतेगा। हाँ हाँ मंजूर है, चल अभी कर लेते हैं रेस। ऐसे नहीं, पहले जा अपनी एरोप्लेन लेकर आ फिर। अरे लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भिखारी कहेगा, जब एरोप्लेन ही नहीं है तो रेस कहाँ आएगी। तभी विशाल को मोंटी पर खूब गुस्सा आता है। देखना मैं जल्दी ही अपनी एरोप्लेन के साथ आऊंगा। अरे जा रहे भिखारी। फिर विशाल वहां से चला जाता है और मोंटी अपने नए एरोप्लेन में घूमने लगता है। वहीं विशाल के घर में, बेटा फसल तैयार हो चुकी है, बस तरबूजों को खेतों से तोड़ना बाकी है, चल थोड़ी मदद कर देना। ठीक है बापू। फिर विशाल अपने पिता के साथ खेतों में चला जाता है जहां ढेर सारे तरबूज की फसल होती है। तभी एक एक करके विशाल और उसके पिता तरबूजों को तोड़ने लगते हैं। तभी विशाल जैसे ही एक तरबूज पेड़ से तोड़ता है, वो तरबूज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक विशाल काय रूप धारण कर लेता है। अरे बापू देखो ये क्या हो रहा है। अरे बेटा ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब तो हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे ना बापू, फिर मैं भी एरोप्लेन खरीद पाऊंगा ना। बेटा इतना बड़ा तरबूज कोई खरीदेगा ही नहीं बाजार में, क्योंकि ये कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा बापू, ये तो बहुत विशाल काय है। वो तो है बेटा, लेकिन इसे हम पूरा खा भी तो नहीं पाएंगे, बर्बाद ही जाएगा। तो अब इसका क्या होगा। अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है इसके सिवा। तभी विशाल को मोंटी से लगाई हुई रेस की बात याद आ जाती है। बापू इसे फेंको मत, इसे मुझे दे दो। लेकिन तू इसका क्या करेगा। बस दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। फिर विशाल अपने बापू से वो तरबूज ले लेता है और फिर वो कुछ ही दिनों में उस तरबूज से एक बढ़िया सा एरोप्लेन तैयार करता है और फिर उसे मैदान में ले जाकर उड़ाने लगता है, जिसे देखकर मोंटी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा बच्चों, अब तरबूज का चीप एरोप्लेन बनाकर मुझसे बराबरी करोगे। अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। तो आ गए तुम ये सस्ता एरोप्लेन लेकर। चलो अब रेस लगाते हैं, जो सबसे पहले हवाई जहाज से गांव के बाहर पहुंच गया वो जीत गया। ठीक है मुझे मंजूर है। फिर दोनों अपने अपने एरोप्लेन को लेकर हवा में बड़ी ही तेजी से उड़ने लगते हैं। लेकिन मोंटी के एरोप्लेन की रफ्तार ज्यादा तेज होने के कारण वो इम्बेलेंस हो जाता है और क्रैश होकर जमीन पर गिरने लगता है। तभी विशाल आकर मोंटी को बचा लेता है और फिर वो एरोप्लेन को जमीन पर लैंड करता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तो पैसे और महंगे खिलौनों के गुरूर में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। कोई ना, अब तो तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना। हाँ, और अब से मेरे सारे खिलौने तुम्हारे। वैसे ये प्लेन बहुत ही सुंदर है। थैंक यू मोंटी। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और वाटरमेलन एरोप्लेन पर बैठकर आसमान की सैर करने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।